पर सिंगोल को स्थापित किया जा रहा था। हमारे साथ जैन धर्म गुरु आचार्य लोकेश मुनि जी हैं। लोकेश मुनि जी, जब ऐतिहासिक मौके पे आप वहां पर था, धर्म सर्वधर्म प्रार्थना भी हुआ, किस तरह का मंत्रोच्चारण आपकी तरफ से और तमाम लोगों से हुआ? देखिए, मैं टाइम्स नाउ नव भारत के माध्यम से देशवासियों से कहना चाहता हूँ, आज भारत देश के लिए एक ऐतिहासिक पल है। जब हमारे लोकतंत्र के पवित्र मंदिर पार्लियामेंट के नए भवन का उद्घाटन का अवसर और उस पर सर्वधर्म प्रार्थना के अंतर्गत मुझे जैन प्रार्थना, भगवान महावीर की वाणी, नवकार मंत्र, मंगल पाठ और भगवान महावीर की मूल प्राकृत भाषाओं के मंत्रोच्चार का अवसर मिला, एक अद्भुत दृश्य था वो। हम प्राचीन समय में सुनते हैं कि राजा महाराजा भी ऋषि मुनियों का मार्गदर्शन लेने जाते थे, वही दृश्य आज पार्लियामेंट के भीतर हमें देखने को मिला। तो सचमुच में जो आज धर्म दंड को, जो राज दंड को उचित स्थान मिला है, आदर मिला है, वो अपने आप में अद्भुत था। और इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण जैन समाज की ओर से, श्वेतांबर, दिगंबर, देरावासी, स्थानकवासी, तेरापंथी सबकी ओर से आभार और अभिनंदन व्यक्त किया कि उन्होंने धर्म दंड को, राज दंड को पुनः उचित स्थान, आदर का स्थान दिलाया है। मंत्रोच्चारण किस तरह से किया और क्या था? मंत्रोच्चारण के अंदर नवकार मंत्र, नमस्कार, महामंत्र जिसे कहा जाता है, नमो अरंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयुर्याणंग, नमो वज्जानंग, नमो लोहे सब सावनम, चत्तारी मंगलम, अरंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली वनतो धमो मंगलम। उसी तरह से भगवान महावीर की वाणी, धम्मो मंगल मुक्खिठम अहिंसा संयमो तो देवावितम नमन संति जस धम्मे सयामणो है। अप्पा कत्ता विकत्ता है दुहानी है सुहानी है, अप्पा मित्तम मित्तम चे दुपट्टी है सुपट्टियो। ये सारे मैंने वहां पर मंत्रोच्चार रखते हुए कहा। भगवान महावीर ने कहा है कि धर्म ही उत्कृष्ट मंगल है, और जो धर्म कौन सा, जो अहिंसा संयम तप जिसके लक्षण हैं, उसके अंदर रत रहता है, भगवान भी इंद्र भी उसको नमस्कार करते हैं। आप लगता है कि सारे दल को आना चाहिए था, जो विरोध हुआ है आज, क्योंकि ऐतिहासिक मौका था। देखिए, वो विरोध कदापि उचित नहीं, वो अतिवादी कदम है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में मतभेद हो सकता है।